हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है द एम्प्टी कप। हाँ दोस्तों, अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। इस स्टोरी से मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूँ और इसका बेनिफिट मिले आपको, राइट? तो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, राइट? सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट संडे का वीडियो का। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टोरी। दोस्तों, रमेश मार्शल आर्ट्स का नेशनल चैंपियन था। उसने बहुत सारे मेडल्स जीते थे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते थे, राइट? और अपने देश का वो चैंपियन था। उसको कहीं से पता चला कि जापान में मास्टर सुजुकी समुराई की ट्रेनिंग देते हैं। ये समुराई की ट्रेनिंग वो है कि अगर ये इसे कोई भी हासिल कर लेता है तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। तो रमेश भी पहुंच गया जापान, और जापान जाके वो मास्टर्स सुजुकी से मिले। मास्टर सुजुकी से उसने बताया, उसके अचीवमेंट्स बताए, उसने कितने सारे कॉम्पिटिशन जीते, क्या क्या अचीवमेंट किया, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ उसका बताया। और उसने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनको स्टूडेंट के तरीके एक्सेप्ट कर ले। मास्टर सुजुकी ने उसकी सारी बात सुनी और उन्होंने उसको स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मास्टर सुजुकी ने बताया कि यहाँ ट्रेनिंग 3 साल का होता है, और इस 3 साल के ट्रेनिंग में फर्स्ट ईयर डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सेकेंड ईयर बेसिक लेवल्स ऑफ समुराई, थर्ड दी मेकिंग ऑफ समुराई। तो थर्ड ईयर जो है आपको एक पूर्ण समुराई बनने में आप काबिलियत पा लोगे। तो रमेश खुश हुआ, रमेश ने एक्सेप्ट किया और वो फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में चला गया। रमेश ने वहाँ जाके देखा तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सारे कोई पोछा मार रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई मैदान साफ कर रहा है, कोई पौधों को वाटरिंग कर रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई कुएं में से पानी निकाल रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, वो भी सीनियर स्टूडेंट्स के। बाप रे, रमेश बोले ये क्या है, ये ट्रेनिंग? लेकिन रमेश कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो इसलिए रमेश ने भी एक्सेप्ट किया और रमेश भी काम पर लग गया। रमेश ये फर्स्ट ईयर काम करता रहा। अब यहाँ रिजल्ट का एक दिन होता है, द रिजल्ट डे। यहाँ रिजल्ट डे के दिन सारे स्टूडेंट्स को लाइन पे खड़ा रखा जाता है, और उसके बाद मास्टर सुजुकी आके सिलेक्ट करते हैं कौन पास हुआ कौन फेल। तो इसी तरह स्टूडेंट सारे खड़े हो गए, मास्टर सुजुकी आए, उन्होंने एक एक करके सिलेक्ट किया, और रमेश की बारी आई, उन्होंने कहा यू आर डिटेन्ड, आप फेल। रमेश अपसेट हो गया क्योंकि दिस वॉज इज फर्स्ट फेलियर। लेकिन वो हार नहीं माना, उसने कहा चलो मैं और थोड़ी मेहनत करूँगा। फर्स्ट ईयर में दूसरा साल निकाला और वो मेहनत किया उसने, फिर से वही काम, वही डिसिप्लिन वाला काम करता रहा। फिर से रिजल्ट डे आया, फिर से सब बच्चे लाइन में खड़े रहे। मास्टर सुजुकी आए, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। रमेश की बारी आई, उन्होंने फिर से कहा यू आर डिटेन्ड, यू आर फेल्ड। और रमेश थोड़ा ज़्यादा अपसेट हो गया। रमेश ने फिर बहुत कोशिश करके अपने आप को कंट्रोल किया, और फिर से वही फर्स्ट ईयर में उसने अपना 3रा साल निकाला। और 3रा साल वो थोड़ा सा एंथू नहीं था क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपसेट हो चुका था, फ्रस्ट्रेट होने लगा है, और लेकिन फिर भी चैम्पियनशिप को ध्यान में रख के वो मेहनत कर रहा था। अब थर्ड ईयर का रिजल्ट आया। थर्ड ईयर के रिजल्ट के दिन फिर से मास्टर सुजुकी आए। इस बार रमेश को पूरी आशा थी कि वो पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मास्टर सुजुकी आए, उन्होंने एक एक करके सिलेक्ट किया, और रमेश की बारी आई, उन्होंने कहा यू आर फेल्ड। ये कह के वो अपने कुटीर में चले गए। अब रमेश से कंट्रोल नहीं हुआ। अब रमेश का जो गुस्सा था वो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो गुस्से से लाल हो गया, और वो फ्रस्ट्रेशन में वो अपने मास्टर के कुटीर में गया। उन्होंने जाके किक मारा दरवाजे को और अंदर गया। अंदर जाके उन्होंने मास्टर को बहुत कुछ बोला, राइट? इतने सारे अपशब्द बोले, चिल्लाने लगा, बोले आप कोई मास्टर हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझते हो, मैंने आपसे बहुत अच्छे अच्छे मास्टर देखे हैं, मैंने इतने चैंपियनशिप जीते हैं, आप तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, आपने कभी इतना अचीव भी नहीं किया होगा, ये तो मुझे समुराई का लालच था इसलिए मैं यहाँ आया, वो ये बोलता रहा बोलता रहा।
मास्टर शांति से उसकी बातें सुनते रहे। और फिर जब उसकी बात खत्म हुई, उन्होंने बोला कि बैठो चाय पीते। रमेश और गुस्से में हो गया, मैं इधर अपना रोना रो रहा हूँ और आपको चाय की पड़ी है। मास्टर ने फिर से कहा कि आप बैठो, चाय पीते पीते बात करते हैं। रमेश बैठा, मास्टर जी ने चाय की किटली ली और उन्होंने अपने कप में चाय डाली। अपने कप में उन्होंने थोड़ी सी चाय ली। अब रमेश की बारी आई तो रमेश के कप में उन्होंने चाय डाली। कप भरता गया, कप पूरा भर गया, फिर भी मास्टर चाय डालते रहे हैं। अब चाय ओवरफ्लो होने लगा, कप से बाहर गिरने लगा, फिर भी मास्टर चाय डालते रहे हैं। रमेश ने देखा ये क्या हो रहा है, मास्टर को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा मास्टर प्लीज स्टॉप, द चाय इज ओवरफ्लोइंग, व्हाट यू आर डूइंग, द टी इज ओवरफ्लोइंग। तो मास्टर हंसे और उन्होंने चाय डालना बंद किया। उन्होंने किटली नीचे रखी और कहा रमेश माय स्टूडेंट, दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ योर्स, ये जो प्याला का जो कंडीशन है, ये जो कप का कंडीशन है, वही कंडीशन आपका है। आपका ये जो माइंड वाला जो कप है, उसमें ऑलरेडी आप इतना भर चुके हैं कि कुछ इनपुट डालने का जगह ही नहीं रहा। आपका ये वो नॉलेज, ओपिनियन, जजमेंट, ये वो इतना अचीवमेंट, वो ये सब भर चुका है। आपको पहले इसे एम्प्टी करना होगा। आप एम्प्टी करोगे तो ही आपको इस समुराय का जो नॉलेज है वो अंदर जा सकेगा। रमेश को बात समझ पड़ी, रमेश को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वाई ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी थिंग, वाई ही वॉज नॉट एबल टू गेन एनी थिंग, एंड ही एक्सेप्टेड इस मिस्टेक। उसने सर झुकाया और मास्टर से माफ़ी मांगी। मास्टर ने उसे माफ़ किया और रमेश फिर से ट्रेनिंग में ज्वाइन हुआ। उसने इस बार अपना माइंड, जो कप ऑफ माइंड है, वो इतना खाली रखा क्योंकि हर चीज़ अच्छी लगी, हर काम उसे इंटरेस्टिंग लगा और इस तरह वो काफ़ी इंटरेस्ट से हर काम किया और देखते ही देखते समुराई बन गया, राइट। और दिस इज दिस अचीवमेंट। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, राइट, क्या सीखने मिला आपको? दोस्तों हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो अपना कप ऑफ माइंड जो है वो भरा रखते हैं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। ये खास ये MBA लोग, राइट, सब के सब ज़्यादातर MBA, गुजराती में कहावत है MBA मने बधुआ आवड़े छे, राइट। ये जो लोग हैं, ये लोग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये चीज़ भरा हुआ है। तो टू गेन समथिंग यू नीड टू एम्प्टी ऑल दिस थिंग्स, दिस इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। और ख़ास ये स्टूडेंट्स आप लोग को एक बात कहूँगा मैं, जब भी आप बेंच पे बैठे हो, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, मीन्स यू आर एट द रिसीवर एंड, एंड द पर्सन हूएवर इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, वेदर ही इज़ योर फ्रेंड, वेदर ही इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वेदर इज़ अ टीचर और प्रिंसिपल, he knows little bit more than you, that's the reason he is on the stage. So you need to empty your cup to accept something, you need to empty your cup to get something. So this is what you, this is how you learn, right? So please empty your cup whenever, always keep your cup empty so that you get pouring lots of things, you get learning, you keep on learning lots of things. ओके, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ये शेयर इसलिए करने का कहता हूँ क्योंकि ये इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, यंगस्टर्स हैं, राइट, इन लोगों को ये बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मोर नंबर ऑफ यंगस्टर्स गेट इंस्पायर्ड। Thank you. Thank you for the day. We'll meet on the next Saturday. Right? Bye.